आपको क्या लगता है कि सरकार ने ऐसा किया, आप इसको सरकार की हाई हैंडेडनेस मानते हैं, किस वजह से आखिर रोका गया प्रियंका जी को जाने से? जैसे मैं कह रहा हूं, अगर जो परिवारों को लग रहा है कि दबाया जा रहा है और उनकी बातें आगे नहीं पहुंचती हैं, और अगर प्रियंका वहां जाती हैं और वहां उन लोगों से मिलती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं, ज़रूर लोगों पे अफेक्ट होगा कि कोई बाहर तो आया है, उनसे मिलने तो आया है। किसान कितने समय से अपने आंदोलन कर रहे हैं कि जो बिल गवर्नमेंट ने क्रिएट किए वो बिल्कुल उनके सहयोग में नहीं है और कोई उनकी सुनवाई नहीं है। तो अगर कोई उनके दुख में वहाँ बैठता है, उनके साथ उनको सपोर्ट मिलता है, तो वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और कोई भी जा सकता है, कोई भी अगर उनके हाथ पकड़ेगा तो वो खुश रहेंगे उनके साथ कि कोई आया है उनसे मिलने के लिए। तो मेरा यही सोच है कि उनका यही है कि उन जिन लोगों के यहाँ मौत हुई है उनके साथ वो बैठने गए और उनको रोका गया, और ये तरीका बिल्कुल गलत है, और इसलिए लोगों का सपोर्ट है। और दूसरी पार्टी जो है वो उठी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, जो प्रियंका के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। अच्छा, हम अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, कल रात जिस तरीके से उनको डिटेन किया गया था उस वक्त की, आप जो कुछ हुआ बहुत कुछ तो कैमरे पर आया, हमने देखा। प्रियंका जी बड़ी नाराज़ भी हो रही थी पुलिस वालों को, वो कह रही थी कि ये कानून के ख़िलाफ़ है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। आपकी बात भी हुई है, तो कुछ आप बता पाएंगे कि उस वक्त क्या परिस्थितियाँ बनी और किन हालात में उनको डिटेन किया? देखिए, जब वो शाम को निकल रहे थे तो मैंने कहा बहुत देर हो रही है, कल सुबह चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो आज ही पहुंचना है उनके पास। और वो बस बता रहे थे कि काफ़ी बारिश हो रही थी जब वो वहां पहुंचे लखनऊ में, और उन्होंने कहा किसी तरह भी मैं उन लोगों के परिवार से ज़रूर मिलूंगी। और कोई ऐसे प्रोग्राम या कोई ऐसे प्रोग्राम कुछ भी नहीं था, किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, वो तो बस अपने आप गए थे उन लोगों से मिलने के लिए। और जैसे ही वहाँ सिक्योरिटी के द्वारा, हो सकता है पुलिस वालों को पता चला हुआ होगा, और उन्होंने रोक दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते उनसे मिलने के लिए, क्योंकि कोई अगर हमदर्दी जमा रहा है उनसे या कोई अगर अपने तरीके से जाता है मिलने के लिए तो लोग देखेंगे कि हाँ कोई तो आ रहा है, उनके घर पहुँच रहे हैं और कोई उनकी सुनवाई हो रही है, और जो आंदोलन है कोई उनके सपोर्ट में तो आ रहा है। पर यही है और कोई बात नहीं है। मैं यही बोलूँगा कि पर शी वो स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, वो जो भी है वो झेल लेंगी और वो आगे बढ़ेंगी और सपोर्ट ज़रूर करेंगी और उन परिवारों से मिल के आएंगी ज़रूर। नहीं, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा, देखिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं, बड़े नेता, वो जब भी जाते हैं कई बार पुलिस उनको रोकती है, पुलिस के साथ थोड़ी बहुत तू तू मैं होती है, लेकिन हमने कभी प्रियंका जी को इतने गुस्से में नहीं देखा जितना उनको हमने कल रात को देखा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप मुझे इस गाड़ी में बैठा कर क्या मेरा अपहरण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आपके ऊपर हार्म करने का, मोलेस्ट करने का, ये सारी धाराएँ आपके ऊपर बनती हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ था? नहीं, आप खुद देख सकते हैं क्या हुआ था। सब पूरा देश भर देख रहा है कि ये एक महिला के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है और क्या माहौल क्रिएट हो रहा है वहाँ। कौन सुरक्षित फील करेगा वहाँ, कौन सी महिला यूपी में सुरक्षित फील करेंगी? तो ज़रूर रिएक्शन होगा अगर उनको धक्का दिया जाएगा। अगर वो सिंपल कह रहे हैं मैं खाली परिवारों से मिलने जा रही हूँ जिनके यहाँ मौत हुई है, और अगर उनको धक्का दिया जाएगा और उनको, मतलब कि आप देख सकते हैं प्रूफ में है वहाँ वीडियो, तो वो ऑब्वियसली रिएक्शन होगा। पर मतलब रिएक्शन है क्योंकि वो उनका मन बना हुआ है, उनका दिमाग बना हुआ कि सोच है कि वो मिल के आएंगे परिवारों से। सो अगर किसी को भी रोका जाएगा तो वो रिएक्ट तो करेंगे। तो आपकी जब बात हुई, उन्होंने क्या कहा, कुछ भी हो जाए वो उन परिवारों से मिलेंगी, क्योंकि इनडेफिनेटली तो पुलिस डिटेन कर नहीं सकती है उनको, कभी ना कभी तो उनको आज़ाद करना पड़ेगा, तो वो लेकिन जाएंगी ज़रूर मिलने के लिए। एग्जैक्टली, मुझे तो यही लग रहा है। मैं तो सपोर्ट करूँगा चाहे जैसे भी है, जितना भी उनको कठिनाइयों का आगे देखना पड़ेगा, पर मतलब कि मैं सपोर्ट तो पूरा करूँगा। एंड और जो मेरे अगर बच्चे थोड़े घबराते हैं वो मैं उनको संभालूंगा, पर मतलब कि पूरा सपोर्ट है और वो मेरे ख्याल से उनसे ज़रूर मिलके आएंगे
और देश भर में लोग ये देखते हैं कि उनको धक्का दिया जा रहा है जो गलत है, और वो सपोर्ट करेंगे उन्हें। वो ये नहीं है कि खाली कांग्रेस पार्टी के, पूरे लोग, पूरे भारत के लोग उनके साथ। देखिए, अभी आपने एक बार पहले भी आपने कहा था कि बच्चे जो थे वो थोड़े घबरा गए। अब प्रियंका जी तो देश भर में घूमती हैं, प्रोटेस्ट में जाती हैं, विरोध प्रदर्शन जहाँ जहाँ उनको ज़रूरी लगता है वो करती हैं। इस बार आप कह रहे हैं कि परिवार में भी जो कुछ हुआ उसको लेकर के खासकर बच्चों के मन में डर है। देखिए, खाली परिवार में नहीं, लोग सब ने देखा कि उनके साथ किस तरीके से धक्का हुआ है, उनको खींचा गया है, उनको बहुत बुरी तरह उनको व्यवहार हुआ है। तो सब ने सपोर्ट किया है, सब ने फ़ोन किया है कि प्लीज़ उनको बोलिए वो सेफ रहें। तो सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, अगर प्रियंका नहीं, अगर कोई और भी महिला होती जिनके ऊपर इस तरीके से धक्का हुआ जाता तो ज़रूर लोग कहते ये गलत है। तो मेरा सोच ये है, और ज़रूर आजकल टीवी तो सब जगह है, और मतलब कि अगर वो मेरे बच्चे विदेश में भी हैं वो भी घबराते हैं कि जिस तरीके से ये हो रहा है कि मदर ठीक है, माँ ठीक है, बस वही है उनका सोच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।